अस्सलाम वालेकुम, समझ रहे हो तो मेरे लिए मित्रों से लिए कैसे हो, खैरियत करता हूँ, आप सब उम्मीद से होंगे। तो हाँ सनम, ये वीडियो भी रमजान के रिलेटेड है। तो ये वीडियो मैंने दूसरी दफा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले मैंने फेस कैम के बगैर बना रहा था। पाए, पाए, पाए। मैंने कहा यार काका ना एकदम मजे नहीं आने, हम ना फेस कैम के साथ बनाते हैं। वीडियो में हमने मुआयना करेंगे कि बोगस पीपल रमजान में कैसी हरकतें करते हैं और देसी पीपल रमजान में कैसी हरकतें करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जैसे रमजान का चांद नजर आता है ना, तो देसी पीपल के घर के हालात कैसे होते हैं। देसी पीपल्स की माए वे बाजारों जाग लाया, मैं दही भी जमाना वा नहीं, सारी बोतलां खाली करके सुटिया हुई है, इन्होंने भर के फ्रिज रख दियो। अब बर्फ वाले कोले भी फ्रिज में रख दो, सुबह सुबह कितने करो मंगन जाऊंगे। ते नाले ना होनी, मेनू दस दो सुबह सहरी बचना किन्ने की खाना, जिन्ने परौंठा खाना परौंठा दस दो, जिन्ने सुकी रोटी खानी सुकी रोटी दस दो। सुखी रोटी खानी है या सुखी रोटी नु देसी घ्यो भी लाना वा, जे सुखी रोटी नु देसी घ्यो लाना वा ते सालन विच देसी घ्यो पाना के नहीं, ए भी मेनू फटाफट दस दियो। हुणी जिन्ने जो खाना ना मेनू हुणी दस दो, सुबह मैं ना एवें केलक ले आना पायो सहरी दे विच मेको बोकरा ना खा लियो। इसके बाद इन देसी बच्चों में से जो कोई गाढ़ा ही देसी बच्चा होता है ना, वो कहता है कि अम्मी तुसी ना इदां करियो मेरे लिए ना एक परौंठा बना दियो, परौंठा ना तुसी देसी घ्यो दा बनायो, देसी घ्यो दा बना के ना उपर भी देसी घ्यो ला दियो, फिर उस तो बाद इदां करियो कि उपर ना एक मक्खन दे टिक्की भी रख दियो, फिर ओदे नाल जिहड़ा सालन है ना ओदे सालन दे विच भी यहां ते देसी घ्यो पा दियो यहां मक्खन ही पा दियो, मैं कहना स्वाद आ जाना। ये सुनने के बाद इसकी अम्मी वे मनिया सहरी दे विच कुछ हेल्थी खाना चाहिदा, पर एडा हेल्थी तेरी केड़ा कल नु गली दे कुत्तियां दे नाल लड़ाई है, तू एडा हेल्थी खाए की करना, झूंगे जो तेरे प्यो ने दुकान तो पाया घ्यो लिया सारा तेनू पा दिता ते बाकियां नु मैं की देना। आखे जी देसी घ्यो भी पा दियो मक्खन भी पा दियो, तेनू मैं जहर ना पा दा, इको वारी कम मुके तेरा, गल्लां करदा बहुतियां। और जब बोगस पीपल को पता चलता है ना कि रमजान का चांद नजर आ गया है, तो वो ना दिल ही दिल में सोच लेते हैं कि अम्मी बिली आइलिश और अब्बू एपी डिलोन को ना एक महीने के लिए ना बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। उसके बाद ये बोगस पीपल रोजा रखने के लिए ऐसी तश्वीश में पै जाते हैं ना, जैसे पता नहीं बुर्ज खलीफा की नियां रखनिया हो इन्होंने। अपनी अम्मी को ये रोजे के बारे पूछे ना पूछे, अपने डॉक्टर को कॉल करके पूछनी होती है कि डॉक्टर साहब मैं रोजा रख सकती हूँ या नहीं, तो फिर इनका डॉक्टर भी इनके हवा रेडिएटर में पानी और इनका प्लग वगैरह चेक करके कह देता है कि हाँ तुम रोजा रख सकते हो। तो जब इन बोगस को डॉक्टर साहब इजाजत दे देते हैं ना, तो फिर इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि सहरी में खाना क्या है। फिर ये ना अपनी अम्मी को बता रही होती है कि मामा आपने ऐसे करने के 2 slices of bread, 1 egg half fry और साथ में 1 cup of tea और कॉफी इनफ। और हाँ हाँ काइंडली एक चीज और नोट कर लीजिए कि जो एग है ना उसमें ऑयल्स बिल्कुल ना हो। बंदा पूछे फ्राई एग विच ऑयल तो होना ही है, होर तेनू कड़ा चिकन दे विच तल दिए। ये मेन्यू सुनने के बाद इनकी मामा भी इन्हें कह रही होती कि ये क्या हुआ, इससे सहरी क्या रोगी, सारा दिन बेटा तुम्हारा कैसे गुजरेगा, कोई पराठा वगैरह खाओ, कोई हेल्थी चीज खाओ जिससे तुम्हारा पूरा दिन गुजर जाए। तो फिर इस तरह के बॉगस अपनी मामा को कह रही होती है कि मामा नेवर एवर, पराठा तो बिल्कुल नहीं, उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है और मैं डाइटिंग पे हूं। सहरी का मेन्यू डन होने के बाद आता है टाइम सहरी का। ठीक है सहरी टाइम, देसी घरों के हालात कैसे होते हैं। वे उठ जो सहरी का टाइम होया 15 मिनट पिछे रह गए, तुसी उठन ही नहीं दे है, साल विचो तुसी एक महीना तुसी मुसलमान होना होंदा ते उदों भी नहीं उठन दे, एडे तुसी लाल काफर होए ना, आ क्यामत किसे दिन आ लैंदे, वेखी मैं ना फरिश्तियां नू कह के तुहाडे छित्तर पुआणे, इन्ना तंग करदे ना मैनू। और दूसरी तरफ सहरी के टाइम बोगस के यहाँ क्या हालात होते हैं। उनकी माँ उन्हें ना बड़े सलीके से उठाती है कि बेटा उठ जाओ सहरी का टाइम हो रहा है, रोजा रख लो फिर टाइम थोड़ा रह जाएगा। फिर वो चाहे बर्गर हो या बर्गर नहीं हो, वो कहती है ठीक है मामा मैं उठ रही हूँ। वो उठते हैं वॉशरूम में जाके फ्रेश होते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, फेस वॉश से अपनी बूथी वॉश करते हैं और आके ना फिर सहरी करते हैं। और दूसरी तरफ देसी पीपल्स ओदा ही उठ के सहरी करने को बह जाते, ना ये हाथ धोते ना मुंह धोते ना अपने दंदा को चावा मारते, ओदा ही आके सहरी करने बह जाते। इनकी अम्मी भी इन्हें कह रही होती है कि ओदा ही आके सहरी करने बह गए, बूथी तो लेनी सी। तो आगे से अपनी अम्मी को कह रहे होते हो तुसे सालन पाओ, जो वजू करांगे आपे नाल तो उपजूगा। मस्त प्लान है।
शट अप। सैरी वगैरह करने के बाद ये बोगस जो होते हैं वो तो अपने कमरे में बढ़ जाते हैं और एसी को 100 पे छाड़ देते हैं। वो किसी भी गैर जरूरी चीज के लिए ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, कहीं रोजा टच ना करने लग जाए। जी रोजे की तरह ये कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करते हैं। ज्यादा तेज भी नहीं चलना, आराम आराम से चलना है। ज्यादा तेज चले तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। बंदा पूछे यार रोजा ना हो गया, नौवां महीना हो गया, एडी होली तुरंत ने की, तुझे कांच तक ला चुके। बोगस में अगर किसी को रोजा टच कर भी जाए ना तो उसका कंफर्म हो जाता है कि उसने बाकी 29 रोजे नहीं रखने। वो तो कह देता है बेब आई कांट अफोर्ड इट। ये बोगस रोजा रख के ना अपनी बेब से बात करते रहते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि यार मुझे ना रोजा टच कर रहा है, कुछ करो। और दूसरी तरफ बेब भी इतना प्यार करता होता है ना, वो भी गूगल पे सर्च कर रहा होता है कि रोजा कैसे नहीं लगता। इन बोगस के हाथ नौकर वगैरह होते हैं, इनकी मामा भी इन्हें ना ज्यादा तंग नहीं करती, कहीं मेरे बच्चे को ना रोजा टच ना करने लग जाए, इसलिए सारे काम ना उन नौकरों से करवाते हैं। इन बोगस में से अगर कोई कहीं बाहर गलती से चला भी जाए ना तो अपने दोस्तों को काले करके बता रहा होता है कि बाहर मत जाना, बाहर ना इतनी हॉटनेस है ना कि तुम्हारी सारी स्किन जल जाएगी। और दूसरी तरफ बात करें अगर देसी पीपल्स की, रोजा इन्होंने चाहे रखा भी हो ना, फिर भी इनकी अम्मी ने ना कोई 7500 काम ना गिन के रखे होते हैं जो इनसे ना करवाने हैं दिन में। और अगर कहीं गलती से इन बच्चों में से किसी ने कह दिया ना कि मामा मेरा रोजा है, कुछ तो ख्याल करें, मैं इतनी गर्मी में बाहर कैसे जाऊंगा, तो बस फिर मामा हो गई शुरू। नहीं तो मेरी पहले गल ये दस कि तू रोजा रखे तो मेरे एहसान किया वा, ये काम किन्ने करने, तू घर इतने रहना तो काम भी तू ही करने है, होर मैं कि आप जाके उत्ते काम करने चल जा, मैनू छड़ दस दे, मैं आप जाके उत्ते चीज लैन नहीं है। अब मोबाइल में तू सारा दिन पबजी खेलता रहना, वो पबजी में दौड़ दौड़ के तेनों रोजा लगन लग जाता। इफ्तारी के टाइम बोगस तो ना बड़े सलीके से ना इफ्तारी करते हैं और कुछ बोगस उनमें होते हैं जो तहैया भी साथ ही कर लेते हैं कि बाकी रोजे मैं नहीं रखने हैं। आए और गए, खेल खत्म, कोई जी ये मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। और दूसरी तरफ देसी पीपल के घरों में इफ्तारी जब होती है ना, वो तो ऐसा लगता है कि नून जी के जलसे में ना कोई रोटी खोल गई है। ऐसी अन्नी पाते है ना कि 2 मिनट बाद ना दस्तरखान भी ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं ऐड भी हमला होया, खजूरा किते, समोसे किते, पानी डुलिया। नीचे लाल बटन ना मेनू ना केड़े रंग दा हो जांदा भला, हां ग्रे, इहनू ग्रे कर दिओ फटाफट, नाल जिहड़ी घंटी भी लगी है ना ਉਹ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਤਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਕੋ ਨਾ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਹੇਲੀਓ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੱਬਤੋ ਕਾ ਚਾਹਤੋ ਕਰ ਕਾ ਅਬ ਤੋ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰ ਕਾ ਇਸਾਰ ਕਾ ਇਕਰਾਰ ਕਾ ਆਪਕਾ ਰਾਖ ਕੇ ਗਰਬਾਰ ਕਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਸੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ। ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਇਫਤਾਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ।